Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. हेलो गाइस, वेलकम टू गेम गुरु इंडिया, और मैं आपके साथ आपका सुभजीत आ गया हूँ एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, और जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पबजी मोबाइल इंडिया एज एन इंडियन कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी जो हम सोच रहे थे कि पबजी मोबाइल इंडिया बहुत जल्दी ही लॉन्च कर जाएगा, वो इतना भी इजी नहीं बनने वाला है। तीन और भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है जो क्लियर करना होगा। तो कौन से है वो तीन स्टेप, चलिए देखते हैं। जैसा कि इनसाइड स्पोर्ट्स आर्टिकल में बताया गया है, पहला स्टेप जो है वो मीटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन्होंने बैंड किया था पबजी मोबाइल को, उनसे ग्रीन सिग्नल पाना होगा। और उनसे ग्रीन सिग्नल कैसे पा सकते हैं, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको ज़रूरत है डेटा सिक्योरिटी का, इंडियन प्लेयर्स का डेटा सिक्योरिटी का। और जो देने के लिए पबजी कॉरपोरेशन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को हायर किया है स्पेशली ये इंडियन वर्जन के लिए। तो सभी इंफॉर्मेशन से मीटी को सेटिस्फाई करना होगा। वो देखेंगे कैसे डेटा सिक्योर होता है इससे। और दोस्तों, ये दूसरा स्टेप्स ये है कि ऐसे ही और भी गवर्नमेंट कंप्लायंसेस है जो सभी कंप्लीट कर देने से तभी ग्रीन सिग्नल पा सकता है पबजी कॉरपोरेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि एज एन इंडियन कंपनी आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो वो जीएसटी नंबर आपको आप रजिस्टर होने से रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर आपके पास आ जाएगा, और पैन नंबर खास तौर पर। तो ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। और तीसरा स्टेप ये है कि डेटा सिक्योर, जो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और ये डेटा सिक्योर एक बहुत तगड़ी कंपनीज को हायर किया है, जैसा कि हम सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो वो एक तगड़ी प्राइवेसी देगा इंडियन प्लेयर्स को डेटा सिक्योरिटी के लिए। तो इन सब से सेटिस्फाई करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि नीति को, तभी कमबैक कर सकता है पबजी मोबाइल इंडिया पे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं दिसंबर के पहले वीक पे कि पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च किया जाएगा, अगर ये तीन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स अगर जल्दी ही क्लियर हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।